गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शुक्ला कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको सोलर सिस्टम पढ़ाऊंगी। सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौर मंडल। क्या होता है? ये जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें 8 ग्रह पाए जाते हैं। कितने ग्रह पाए जाते हैं? 8। फर्स्ट में मरकरी। कौन सा ग्रह है? मरकरी। मरकरी को हम हिंदी में कहते हैं बुध। क्या कहते हैं? बुध। सेकंड में है वीनस। वीनस मतलब होता है शुक्र। बोलो, शुक्र। थर्ड में है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। अर्थ का मतलब पृथ्वी, जिसके ऊपर हम रहते हैं। हम पृथ्वी पे तो रहते हैं, हाँ, तो अर्थ मींस क्या होता है? पृथ्वी। फोर्थ पे होता है मार्स। मार्स मींस, पढ़ो मैंने क्या लिखा है, मंगल। वेरी गुड, मार्स मींस मंगल। फिफ्थ पे है जुपिटर। जुपिटर मींस, मिला के पढ़ो बेटा, क्या लिखा मैंने, कोशिश करो। वेरी गुड, बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। सिक्स पे सैटर्न। सैटर्न को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पढ़ो, शनि। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। सेवन पे यूरेनस। यूरेनस को हम कहते हैं अरुण। और नेपच्यून। नेपच्यून को हम क्या कहते हैं? वरुण। क्या कहते हैं? वरुण। तो ये हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह होते हैं। सौर मंडल का एक प्रमुख होता है जिसे हम, बताओ मैंने पिक्चर में क्या बनाया है? सन। ये सौर मंडल का दादा है। क्या है? दादा। और दादा के परिवार में 8 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 8। सबसे पहले जो सदस्य है, जो सूर्य को सबसे ज्यादा प्यारा है, वो है बुध। क्या है वो? बुध। ये सूर्य को सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। सूर्य के दूसरे नंबर का ग्रह है शुक्र। क्या है ये? शुक्र। इसे हम चमकीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर मंडल का चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शाबाश, साथ साथ बोला करो बेटा, ठीक, इधर ध्यान दो। सौर मंडल का तीसरा ग्रह कौन सा है? कौन सा है तीसरा ग्रह? दिमाग लगाओ। सौर मंडल का 1, 2, 3 ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसके ऊपर हमारा जीवन पाया जाता है। इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला। पता है नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे पानी पाया जाता है, और पानी क्या होता है? नीला होता है। तो सौर मंडल का ब्लू प्लैनेट होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। फिर सौर मंडल का चौथा ग्रह, सौर का चौथा सदस्य कौन सा है? मंगल है, जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह, क्योंकि इस पे लाल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा है ये बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति। सौर मंडल का छठा ग्रह है शनि, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैटर्न। सौर मंडल का सातवां ग्रह अरुण है, जिसको हिंदी में हम यूरेनस, इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। आठवां ग्रह वरुण है, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। तो सौर परिवार, मैंने आपको पहले बताया एक छोटा सा उदाहरण के रूप में कि सूर्य दादा है और दादा के परिवार में 8 सदस्य रहते हैं। अभी हम थोड़ा बता रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे जाओगे इसके बारे में और अच्छे से पढ़ोगे। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा कौन है? सन है ना, सन दादा है। और दादा के परिवार में कितने बेटे हैं? 8 बेटे हैं ना। और सूर्य को सबसे कौन प्यारा है? बुध प्यारा है। और सौर मंडल का नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी। सौर मंडल का चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। इतना आप लोग को याद हो गया, आगे का डिटेल हम फिर कभी आपको बताएंगे। ठीक बेटा, इतना आपको समझ में आ गया ना? यस मैम। थैंक यू सो मच।